जिन लोगों को रागनी का MMSP मिलता है तो बस खाली हा 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 लिख के भेज दे, वो एक जस्ट लाइक ए जोक, जस्ट लाइक ए पपिट। ये सारे RS के दल्ले और पिल्ले हैं जो आपको मारने के लिए उतारे गए हैं। कोरोना वायरस की आड़ में सारे शाहीन बाग खाने के मूड में बैठे हुए हैं। सलमान खान वो आमिर खान खड़ा हुआ कह रहा है चाइना के लिए कि चाइना वासियों मुझे बड़ा दुख है, उस वक्त दिल्ली जल रही थी, मर रही थी, लूट रही थी, हजारों मुसलमान यहाँ मार दिए गए थे, इंसानियत के नाम पर कत्ल हुआ था, आपने तब तो नहीं कहा, मुझे दर्द है इस बात का। इतना एजुकेटेड है आपका कोरोना वायरस जो कॉलेजों में आ रहा है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है, 5-star क्लब में आ रहा है, जिम में आ रहा है, मेट्रो में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है और संडे के दिन रोड पे आ रहा है, यानी मिस्टर इंडिया वायरस है ये। इतनी गंदी गंदी गालियां मिलती है, मैं रात भी अपनी पोस्ट पढ़ी थी उस पर लिखा हुआ था निर्भया का जो हमने कांड करा था वो तेरा उससे भी ज्यादा करेंगे, कटवा का जो करा था हम तेरा उससे भी ज्यादा करेंगे, तेरे में तेजाब भर देंगे, तेरे में रॉड डाल देंगे। तो ये हाल है आपका, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आज अभी भी देख रहे हैं, शायद मैं अपने घर से 30 किलोमीटर दूर आपको ये इंटरव्यू देने आई हूँ और मुझे मालूम है मैं कैसे आई हूँ। तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो एक साजिश चल रही है, भारत को बर्बाद करने की, लॉकडाउन कर दिया है। और मैंने अभी भी देखा रास्ते में लोग कोई अपने सर पे सामान उठा के भागा चला जा रहा है, कुछ लेके भागा चला जा रहा है, मतलब लोग दिल्ली से पलायन करना शुरू हो गए हैं। और ये मोदी जी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब रहे क्योंकि इनका यही था कि दिल्ली से गरीबों को उठाकर बाहर फेंकते, तो ये चारे बेचारे जितने रक्षा वाले हैं, झल्ली वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे। भाई आग में 31 तारीख तक आपने लॉकडाउन कर दिया, तो इन लोगों के जो डेली कमाने वाले हैं कैसे चलाएंगे अपना खर्चा, तो ये सब पलायन करके अपने घरों को लौट रहे हैं। तो ये तो एक वही वाली बात है कि एक कौम की आवाज़ निकालनी थी कहीं से भी निकली, भारत संविधान बचाने की बात आई है जो हम लोग सब अवेयर हो गए, हम सब लोग आ गए हैं, तो वो तो कहीं भी आऊँगी अगर भारत बचाने की बात होगी। जितना ज़्यादा मेनस्ट्रीम मीडिया में कोरोना का खौफ दिखाया जा रहा है क्या उतना असर दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में है क्या? सर मुझे तो अभी तक एक केस ही नहीं मिला, मुझे तो मिला ही नहीं कोई केस, भाई मेरे महल्ले में नहीं, मेरे इलाके में नहीं, पूरे दिल्ली में मैंने तो एक केस नहीं देखा। सिर्फ केस अगर देख रहा हो तो कलंकित मीडिया में आ रहे हैं कि ये केस वो केस नहीं है, मेरे ख्याल से है ही नहीं, जीरो है, लेकिन सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कोरोना वायरस उस मुल्क में ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है जहाँ से चाइना का सबसे अच्छा कारोबार था, जहाँ चाइना अपना सप्लाई देता था, तो ये तो सिर्फ एक टेरर की राजनीति है, चाइना को बर्बाद करने का एक प्लान है जो कामयाब हो भी गया अमेरिका। अगर आप देखें कोरोना वायरस जो है वुहान में 2 महीने पहले अमेरिका ने स्प्रेड करा, 2015 में ये वायरस जो है जब वहाँ पे इंग्लैंड में ब्रिटेन में तैयार होता है और ये तीनों मुल्क मिल जाते हैं, इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन, ये तीनों मिलके इस, क्योंकि आपने देखा कि चाइना की जो GDP है कितनी ऊपर है, 195 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 124 के साथ चाइना का की ट्रेडिंग थी, तो अभी किस तरह बर्बाद करें अमेरिका। तो इन्होंने प्लान करा कि हम जैविक हथियार से इसको डाउन करेंगे, 2 महीने पहले वुहान में एक ट्रेनिंग थी, वहाँ पर जाकर अमेरिका ने स्प्रेड कर दिया वो वायरस, चाइना में मरने शुरू हुए, बहुत तेज़ से मरने शुरू हुए, अमेरिका ने फिर एक चाल चली, जैसे भारत में कलंकित मीडिया है ऐसे अमेरिका में भी कलंकित मीडिया है जो अमेरिका को प्रमोट करता है उल्टे सीधे मैटर में। तो इन्होंने पूरी दुनिया में टेरर पैदा कर दिया, देखो चाइना में इतना खतरनाक वायरस है, जो इसको छुएगा, जो सामान लेगा, जो कुछ करेगा वो मर जाएगा, मतलब ये वायरस चाइना में ही था, सऊदी अरब को भी धमकी दे दी कि देखो अगर तुम ये करोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। तो आप कुछ सोचो, ये तो वायरस जो है वो सर्दी में पनपता है, तो ये रशिया में क्यों नहीं जाता, ये टर्की में क्यों नहीं गया, और अगर ये गर्मी में पनपता है, गरीबी में पनपता है, तो अफ्रीका में क्यों नहीं जाता, ये दुबई में क्यों नहीं जाता, ये सिर्फ उन देशों में क्यों जा रहा है जहाँ से चाइना की ट्रेडिंग चलती है। तो ये चाइना को बर्बाद करने का एक प्रोग्राम था जो शायद ये सफल भी हो गए, लेकिन सुई से लेके पूरे जितने भी एटम बॉम्ब तक है वो चाइना बनाता है, वो ढूंढ लेगा एंटीवायरस, ढूंढ लेगा और फिर इसी के साथ वो फिर वापस आएगा, आप देखिए आएगा चाइना वापस, आप इस तरह किसी को बर्बाद थोड़ी कर देंगे। तो ये तो एक टेरर की राजनीति है, मोदी जी भी खुश कि हिंदुस्तान से शाहीन बाग भी खाने थे तो चलो इनको भी वायरस मिल गया, ये अब कोरोना वायरस की आड़ में सारे शाहीन बाग खाने के मूड में बैठे हुए हैं और कितना जुल्म कर रहे हैं भाई। अगर होगा तो उसकी जिम्मेदारी है ना, कल भी लाठी चार्ज कर रखी थी, कल भी जामिया पे पूरा जामिया खाली था, 144 लगा दी, बम भी बम मारा भाई, कल जामिया में गोली चली है, गोली चली, कई शैल मैंने खुद थे वहाँ पे पड़े हुए थे जो पुलिस ले गई हमारे सामने, गोली भी चली, पेट्रोल बम भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए, जामिया यूनिवर्सिटी मारे गए, शाहीन बाग में भी मारे गए, शाहीन बाग में भी जल गया सब कुछ। तो मतलब आप लॉकडाउन भी कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी RS के दल्ले और जो पिल्ले हैं वो बम भी मारते फिर रहे हैं, गोलियां भी दागते फिर रहे हैं, तो कौन सी वाली राजनीति कर रहे हैं आप, कौन सा वाला प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? देखो ना ये कह रहे हैं कोरोना वायरस, थाली बजाओ और ताली बजाओ, थाली बजाने ताली बजाने से क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? तो कौन सा एंटीवायरस आप लेकर आए, थाली बजाओ और ताली बजाओ? और वो अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, मतलब वो अपनी छत पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो किस तरह के सेलिब्रिटी हैं आप?
आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं, आप इतने अंधे हो गए हैं कि मीडिया के पीछे, पैसे के पीछे आप इतना लालची हो गए हैं। जय अमिताभ साहब वही, अगर आपको याद हो एक दफा इन्होंने नेशनल एंथम गाया था, 8 करोड़ रुपए लिए थे, तो आप तो इतने बड़े वाले देशभक्त हैं कि आपको नेशनल एंथम गाने के लिए 8 करोड़ लेने पड़े थे, तो कौन से देशभक्त हैं आप? तो ईमान फरोश है, सब ईमान फरोश हैं आप। सलमान और शाहरुख ने जब चीन में ये बातें चल रही थी कोरोना को लेकर, तो उन्होंने चिंता जताई, जब मुल्क में हालात है तो कोई प्रतिक्रिया? हाँ, तो यही तो मैं कह, देखिए शाहरुख खान को है, हम लोग सारे हिंदुस्तान इसको फिल्म इंडस्ट्री का भगवान मानते हैं, आमिर खान को भी मानते हैं, अमिताभ को भी मानते हैं। हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हर रोज़ाना 15 किसान खुदकुशी करके मरता है, तब तो आमिर खान को दर्द नहीं जागता, तब तो सलमान खान को दर्द नहीं जागता। सलमान खान वो आमिर खान खड़ा कह रहा है चाइना के लिए कि चाइना वासियों मुझे बड़ा दुख है, उस वक्त दिल्ली जल रही थी, मर रही थी, लूट रही थी, हज़ारों मुसलमान यहाँ मार दिए गए थे, इंसानियत के नाम पर कत्ल हुआ था, आपने तब तो नहीं कहा मुझे दर्द है इस बात का? क्यों नहीं कहा आपने? शाहरुख खान कोरोना वायरस को प्रमोट कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है भाई तू कोरोना वायरस को प्रमोट? तूने किसानों को प्रमोट क्यों नहीं करता? तू मुफलिस को प्रमोट क्यों नहीं करता कि हाँ इतनी मुफलिसी है? तो इतना मत करिए, इतना अपना ज़मीन मत बेचिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मरने के बाद सबको दो बाई दो की ज़मीन में जाना है, जिसको मरना है वो हवा में उड़ेगा खाक बन के, आप जलेंगे जब भी ख़त्म है, आप मिट्टी में मिलेंगे जब भी ख़त्म है, वैसे नहीं कि आप सारी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, सबका अंतिम संस्कार होना है। मोदी जी को जो अपने समर्थकों पर या देशवासियों पर बहुत भरोसा है, वो जो कहते हैं उनका वही लोग काम करते हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए या कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था ला पाए ताकि देशवासी माने? सर कुछ नहीं लाए, सिर्फ मोबाइल पे केजरीवाल की खांसी लगा के ये निमट गए। 20 रुपए वाला मास्क 350 का हो गया, सैनिटाइजर के इनको उन्होंने प्रमोट कर दिया, आप सैनिटाइजर को देखिए क्या है, सैनिटाइजर अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल अपने हाथ पे लगाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो गुड टिश्यूज होते हैं, गुड वायरस होते हैं, वो मर जाते हैं। आप तो उल्टा वायरस को मार रहे हैं जो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, और चलिए मैंने माना हाथ धोते रहो, अगर हाथ धोने का आप इतना ही प्रमोट कर रहे हैं तो ये बीमारी सलम सेरिए में क्यों नहीं जा रही? सलम सेरिए कितने हैं हिंदुस्तान में भी, कितने हैं दिल्ली में भी, कितने हैं जो कि झोपड़ियाँ कितनी हैं, वहाँ के लोग तो शौच करने के बाद हाथ तक नहीं धोते क्योंकि पानी की फैसिलिटी नहीं है वहाँ, तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस में तो वो मरने चाहिए। तो कितना एजुकेटेड है आपका कोरोना वायरस, जो कॉलेजों में आ रहा है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है, 5-स्टार क्लब में आ रहा है, जिम में आ रहा है, मेट्रो में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, और संडे के दिन रोड पर आ रहा है, यानी मिस्टर इंडिया वायरस है ये, जो नजर नहीं आता लेकिन सब पागल हो गए इसके पीछे, सबको पागल बना दिया आपने। आप बहुत चालाक हैं, आप टेरर की राजनीति कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आपने जो हज़ारों मुसलमानों को मारा था उनकी डेड बॉडियां अभी भी दिल्ली में पड़ी हुई हैं, अभी भी सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, आप कर्फ्यू की आड़ में सबको ठिकाने लगाना शुरू कर देंगे, अभी भी सब पड़ी हुई है वहीं पर डेड बॉडियां। राजस्थान जाने वक्त क्या हादसा हुई थी ताकि सोशल मीडिया पे आपने बूम लाया था, कौन सी चीज़ें थी जो लगातार आपको थ्रेट कर रही थी? सर मेरा राजस्थान कोटा में मेरी स्पीच थी 19 मार्च की, 18 मार्च को मेरा टिकट था, मुझे नहीं मालूम वो बात कहाँ से लीक हुई, 18 मार्च को कॉल आती है, उसमें कहते हैं, कहा जाता है अमन रिजवी और देव एक मीडिया वाले जो मेरे साथ जा रहे थे, वो मेरे साथ अगर राजस्थान कोटा गए तो हमें निज़ामुद्दीन पर ही गोली मार दी जाएगी और दिल्ली में इतने भयंकर दंगा भड़काया जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते, पूरी धमकी थी। उसके बावजूद मैं निज़ामुद्दीन से कोटा गई क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा पर यकीन करती हूँ, मेरी मौत होती तो मैं निज़ामुद्दीन पर ही मारी जाऊँगी। हालांकि मुझे लोगों ने कहा नहीं मैं फरीदाबाद से चढ़ जाऊँ, मैं साहिबाबाद से चढ़ जाऊँ, मैं वहाँ से चढ़ जाऊँ, यहाँ से चढ़ जाऊँ, मैं नहीं चढ़ी, मैं निज़ामुद्दीन से ही गई और अकेली गई और फिर रहे थे वहाँ बहुत सारे लोग, तो गई मैं, अब इन्होंने इनको पता चल गया मैं चली गई हूँ। तो उस दिन कोटा में 6 प्रोटेस्ट चल रहे थे लेडीज़ 19 मार्च को, लेकिन मेरे वाले प्रोटेस्ट में जहाँ पर मेरी स्पीच थी, जहाँ पर अनुमान था कि 30,000 लोग आएंगे, इतनी मेरी वहाँ पर पब्लिसिटी थी कि 30,000 लोग आने थे, इन्होंने वहाँ पर 144 लगा दी। मुझे तो स्पीच देनी थी, मैंने फिर महल्ले महल्ले जाकर हर 1.5 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पे स्पीच दी, आठ घरों में जाकर, और हर जगह 2-2, 2.5-2.5 हज़ार औरतें जमा करी, और जिस वक्त मैं चल रही थी आप यकीन करिए पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे चल रही थी, बाइकें मेरे पीछे सायरन बजाती जा रही थी, मैं कभी बाइक पे बैठती थी, कभी स्कूटी पे बैठती थी, कभी कार में बैठती थी, कभी गाड़ियों में बैठती थी, इस तरह करते करते 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने स्पीचें दी हैं। तो आप हमारी आवाज़ नहीं बंद कर सकते, आप प्रोटेस्ट रोकेंगे, हम महल्ले से आवाज़ निकालेंगे, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये कोई और लड़ाई नहीं, भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने निकले हैं हम, आप इतना जुल्म नहीं कर सकते, आप GDP को बर्बाद करके कोरोना वायरस को प्रमोट नहीं कर सकते हैं ताकि आप दुनिया को दिखाएं कि ये जो कोरोना वायरस है इसने भारत की GDP जीरो कर दी, आप इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी को, सब जाग गए, सबको पता है, और आप जो कह रहे हैं चमचे बजाओ थाली बजाओ इससे कुछ नहीं होगा,
वो सारे अंधे भक्त गोबर भक्ति बजाएंगे। अभी भी आप मेरी वीडियो जाके देखिए, जितनी मेरी वीडियो इंटरव्यू है, इतनी गंदी गंदी गालियां मिलती है। मैं रात भी अपनी पोस्ट पढ़ रही थी, उस पर लिखा हुआ था निर्भया का जो हमने कांड करा था वो तेरा उससे भी ज्यादा करेंगे, कटवा का जो करा था हम तेरा उससे भी ज्यादा करेंगे, तेरे में तेजाब भर देंगे, तेरे में रॉड डाल देंगे। तो ये हाल है आपका कि यहाँ पर जो भी आजादी की बात करेगा आप उसका मुंह बंद कर देंगे, आप उसको कुचल देंगे, आप उसको मरवा देंगे। आप एक औरत का लिहाज नहीं करते। घंटा घर पे आप देखिए क्या करा इन लोगों ने, 80-80 साल की बुढ़ियों के सर फाड़ दिए हैं। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी आप बात करते हैं? या तो आप कहिए डेमोक्रेसी नहीं है, ये हिटलरशाही है, और डेमोक्रेसी है तो हमें आवाज उठाने का पूरा हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो आप हमें देने नहीं दे रहे। आप हर जगह हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल आजाद हो गए, नरभक्षी हो चुके हैं, इन्हें कोई नजर नहीं आ रहा, ना ये बच्चा देख रहा है, ना ये बुढ़िया देख रहा है, ना कुछ नहीं देख रहा है। पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं। बस है, क्या विकल्प क्या है, विकल्प क्या इनसे बचने का? क्या ये मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय महिला ही सड़कों पर है खिलाफ, सरकार के खिलाफ? सर मुसलमानों को टारगेट तो इसलिए कर रहे हैं कि सबसे कमज़ोर मुसलमान माने जाते थे। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दलितों से भी बदतर हैं, यानी हम दलित से भी नीचे हैं। लेकिन पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े अवेयर हैं, थोड़ा कौम का जज्बा ज़्यादा होता है, हिब्बुल वतनी भी ज़्यादा होती है, और थोड़ा हमारे यहाँ छुआछात कम होती है, दलित समाज में बहुत ज़्यादा होती है। हम अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान हैं, हमारी हम पूरे यूनाइटेड हैं, हम ना शिया हैं ना हम सुन्नी हैं, हम एक ही मस्जिद में चले जाते हैं। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात नहीं करते। आपका समाज में दलित आज भी छुआछूत का शिकार है, आप उसे मंदिर में नहीं चढ़ने देते, आप कुछ नहीं चढ़ने देते। तो मुसलमान तो आ गए, मुसलमान सड़कों पर आ गए, संविधान बचाने आ गए, और आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके चुन चुन के मार रहे हैं कि ये कमजोर है इनको मार देंगे, जबकि हकीकत बिल्कुल उल्टी है। आज दलित समाज हमारे साथ है, सरदार समाज हमारे साथ है, ईसाई समाज हमारे साथ है, ओबीसी एससी एसटी सब हमारे साथ है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे। इवन हमारे साथ पूरा का पूरा वकील समाज हमारे साथ है। आप देखिए सबसे ज्यादा धरने वकील दे रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे काउंसलिंग वकील कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हम मारे जाएंगे। ये सड़कों की लड़ाई है, या तो हम मर जाएं या फिर हम संविधान बचा लें, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन शहनवाज हुसैन नकवी साहब के तो आपके खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो बीजेपी में है, मैं आपसे वेरी फर्स्ट डे से कह रही हूँ, जितने ईमान फरोश दल हैं वो सब बीजेपी में गए। आप कपिल मिश्रा को उठा के देखिए, या आप पार्टी में था, कैसे मुंह भर भर के मोदी जी को कोसता था, कैसे गालियां देता था, कैसे एक्सपोज करता था। जैसे ही इसने मोदी ने इसको खरीदा, आप पार्टी बीजेपी में कूदा, एकदम ये भक्त बन गया, एकदम ये मोदी जी का पीर बन गया, बिल्कुल ये भगत बन। कौन सा वाला है भाई तू? वो दिन क्यों भूल गया था तू? मोदी जी को कोसता था, तो इनके पार्टी में जो गया वो देशभक्त बन गया। शाहीन बाग में कल बम फोड़ गए, पेट्रोल बम जो है फेंका गया, क्या लगता है इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी राजनीति कर? सर आरएसएस ही है इसके पीछे। आप जैसे देखिए मेरे पे भी 7 हमले पहले हो चुके थे, 8वां हमला मैं उसको मान लेती हूँ जो मेरे पे कोटा जाते हुए हुआ है, और अब भी होगा। मुझे मालूम है मैं इस प्रोटेस्ट में ही मारी जाऊंगी, मैं 101% श्योर हूँ, और मुझे आरएसएस वाले ही मारेंगे, लेकिन मैं मरने को तैयार हूँ क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ। मर जाऊंगी लेकिन नागरिकता पे आंच नहीं आने दूंगी। जब मेरे दादा परदादा कुर्बान हो गए इस देश में, मैं कैसे अपने भारत को ऐसी छोड़ दूं? मैं भी मरने को तैयार हूँ, मार दो। आप हमें वैसे भी मारेंगे, आप हमें घर में घुस के मारेंगे, तो आप हमें सड़क पे मारिए, कम से कम हम भारतीय होके तो मरेंगे, इससे कम सौदा हम भी नहीं करेंगे। क्या विकल्प क्या है, क्या इस लक्षण जो पूरे देश में चल रहा है, जिस तरह से लगातार शाहीन बाग हो या जामिया हो, इस सारे जगह जो प्रोटेस्टर्स हैं उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, बिहार में भी ऐसा हो रहा है, क्या ये आपको लगता है कि नागरिकता जो है वापस होने के कगार पे है, या ऐसी कोई व्यवस्था बन पा रही है? सर लग तो रहा है कि हड़बड़ाई हुई बौखलाई हुई सरकार है। जब भी पहले हर बातें पाकिस्तान पाकिस्तान करती थी, अभी बात बात पे शाहीन बाग करती है, यानी कि शाहीन बाग से डरी हुई है ना। तो यानी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो आप हमसे डरे हुए, और ये बिल वापस जाएगा। और मैं तो उन लोगों से कहती हूँ जो अभी तक अवेयर नहीं हुए, प्लीज ज्वाइन मी और फॉलो मी, क्योंकि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जितने लोग घरों में प्लीज जाग जाएं, वो ये मत सोचे कि हम वोटर बैंक से काटे जाएंगे। नहीं, आप वोटर बैंक से नहीं काटे जाएंगे, आप तिल तिल मरेंगे, पल पल मरेंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपका बिजनेस छीन लिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। तो अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। तो प्लीज घरों से निकलो और ज्वाइन करो, आओ सड़कों पर, इसको इंकलाब बना दो, लड़ो, क्योंकि हमारे आगे से बीजेपी है, पूरा भारत एक है और हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लास्ट मैसेज एक दीदी, मैं यही कहूंगी, हम गांधी सोच वाले हैं
और बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, ना हमारे हाथ में तलवारें होती हैं, ना हम मुल्लाओं को काटो मुल्लाओं को पीटो करते हैं, ना हम देशद्रोही हैं। तो हमारी जबान है, तो मैं ये कहती हूँ गांधी सोच वाले थे, गांधी सोच वाले बने रहिए, और भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इस संविधान को बचाते बचाते मरते हैं तो मर जाइए, लेकिन अपनी मौत को यादगार बनाकर जाइए। शुक्रिया। आज एक सवाल, आज रागिनी तिवारी का एक MMS वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे चल रही है, रागिनी तिवारी का कहना है वो झूठा है, आप इसको कहाँ तक देखते हैं? सर वो तो रागिनी याद, अगर रागिनी तिवारी को आपने देखा तो उसने खुले खुले भाषण दिए थे, मुल्लाओं को लठ मारो, मुल्लाओं के लठ घुसा दो, मुल्लाओं को काट दो। वो तो उसको बिहार में इलेक्शन लड़वाएंगे तो उसके लिए उसको प्रिपेयर कर रहा है, जाहिल औरत है, उसको तो कोई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप देख रहे बिहार से टिकट दे देंगे, तो वो तो खुराफाती औरत है, उसका दिमाग तो पागल औरत है, उसको कुछ तमीज़ नहीं है, तो वो तो है ही जाहिल औरत है, उसको तो जो पट्टी पढ़ा रहे हैं वो तो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट वाला उसको मिलता है, वो बोल देती है, और कुछ नहीं है। रागिनी, रागिनी पे ध्यान मत दे, जिन लोगों को रागिनी का MMS भी मिलता है तो बस खाली हा 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 लिख के भेज दे, वो एक जस्ट लाइक ए जोक, जस्ट लाइक ए पपिट, ये सारे RS के दल्ले और पिल्ले हैं जो आपको मारने के लिए उतारे गए हैं। ठीक,